नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं इंडिया डेली डिजिटल। देश के सबसे बड़े ठग सुकेश चंद्रशेखर को दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से तगड़ा झटका लगा है। महाठग सुकेश की सभी 26 लग्जरी कारों को अब पुलिस बेचेगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी को सुकेश चंद्रशेखर की कारों को बेचने की अनुमति दे दी है। ये सभी कार्स उसने आपराधिक गतिविधियों से अर्जित पैसे से खरीदी थी। हाईकोर्ट ने सुकेश की महंगी लग्जरी कार्स को नीलाम करने के लिए ईडी को परमिशन देने के निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखते हुए कारों की नीलामी की अनुमति दे दी है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि वाहन समय के साथ पुराने हो जाते हैं, जिससे उसके दाम भी प्रभावित होते। न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा ने 200 करोड़ रुपए की जबरन वसूली के मामले में गिरफ्तार चंद्रशेखर की पत्नी लीना पॉलोस को याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत प्रवर्तन निदेशालय को कानून के अनुसार निपटारे के लिए 26 वाहनों का कब्जा दिया गया था। निचली अदालत ने कहा था कि दिल्ली पुलिस या फिर आर्थिक अपराध शाखा का प्रतिनिधि भी उन वाहनों की नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकता है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि वाहन को लंबे समय तक कंटेनर गोदाम में रखने से उसमें सड़न पैदा हो जाती है, क्योंकि यदि कार को वर्षों तक स्थिर छोड़ दिया जाए तो कई प्रकार की समस्याएं उसकी स्थिति से समझौता कर सकती है। मौसम की स्थिति जैसे कारक भी योगदान करते हैं, जिससे जंग जैसी समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं, जिससे वो कबाड़ में तब्दील हो जाएंगी। वहीं सुकेश चंद्रशेखर के वकील ने कहा है कि 16 महीने से अधिक समय तक जेल में एकांतवास में रहने के कारण वो अवसाद से ग्रसित है तथा उसकी याददाश्त भी चली गई है और वो उसे दो कारों यानी कि रोल्स रॉयस घोस्ट और ब्रेबस की रजिस्ट्रेशन नंबर याद है। उन्होंने कहा है कि ये दोनों कार्स 2018 में खरीदी गई थी, जो कथित अपराध की तारीख से काफ़ी पहले की बात है और किसी भी तरह से ये कारें अपराध की आय के दायरे में नहीं आ सकती है। कोर्ट ने कहा है कि रेंज रोवर, फरारी और रोल्स रॉयस जैसी महंगी कार्स का रखरखाव भी अधिक होता है। वहीं ईडी को कोर्ट ने कहा है कि कारों की बिक्री से जो पैसा आएगा, दरअसल उस राशि को फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी में जमा किया जाएगा। आपको बता दें, इस महाठक के पास लग्जरी कार्स का तगड़ा कलेक्शन है। इनमें रोल्स रॉयस, लेम्बोर्गिनी, एस्टन मार्टिन, बीएमडब्ल्यू M5, रेंज रोवर, बेंटले जगुआर SKR और टोयोटा इनोवा क्रिस्टा जैसी कार्स शामिल हैं। इसके साथ ही एक डुकाटी डियावेल सुपरबाइक भी इसके पास है। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने इसके खिलाफ पहले भी सुकेश के खिलाफ रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर से 200 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके अलावा देश भर में कई मामलों में उनके खिलाफ जांच भी चल रही है। चंद्रशेखर और पलोस जो ईडी द्वारा दर्ज धन शोधन मामले में भी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं, इनको पहले दिल्ली पुलिस ने अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार भी किया था। पुलिस ने इस मामले में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम यानी मकोका भी लगाया है। महाठग सुकेश चंद्रशेखर कर्नाटक के बेंगलोर का रहने वाला है। उसने एक्ट्रेस लीना मारिया से शादी की थी, जो कि उसी के ठगी के खेल के साथी भी थी। बचपन से ये बेहद जल्द रईस बनना चाहता था। सुकेश को पहली बार 17 बरस की उम्र में धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था, जब उसने एक जाने माने वरिष्ठ राजनेता के बेटे का दोस्त होने का दावा करके एक पारिवारिक मित्र को 1.5 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल इंडिया डेली डिजिटल को सब्सक्राइब करें।